हेलो एवरीवन वेलकम वंस अगेन बैक टू माय चैनल दैट इज साइंस विद एश तो आज हम देखेंगे एक सेशनल वर्क मतलब एक तरह से ये केस स्टडी है एक एडोलसेंट की जिसको कुछ डिसेबिलिटी है डिसेबिलिटी आपको पता है कि कोई भी हो सकती है मेंटल भी हो सकती है इमोशनल भी सोशल डिसेबिलिटी या और कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है उसको या देखने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ये डिपेंड करता है केस स्टडी में आपने क्या करना है एक अडोलोसेंट की एग्जाम्पल लेनी है किसी भी बच्चे की जिसको कोई डिसेबिलिटी है कोई प्रॉब्लम है और उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे तो यू कैन सी माय असाइनमेंट तो पहला पेज तो हमने फ्रंट पेज ऐसे ही टॉपिक का लिख लिया अपने नेम रोल नंबर सब कुछ लिख देना है और उसके बाद सेकेंड पे हमने इंडेक्स बनाया इंडेक्स में पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देंगे कि एक्चुअल में केस स्टडी होता क्या है फिर उसका पर्पस क्या केस स्टडी करने का हम क्यों कर रहे हैं और थर्ड उसके बाद प्रोसीजर फॉर यूजिंग केस स्टडी मेथड कि क्या प्रोसीजर है इसका इसको यूज करने के लिए जो केस स्टडी हम कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर फोर्थ आप कंटेंट में क्या करोगे केस स्टडी ऑफ एन अडोलिसेंट आप उस अडोलिसेंट को पर्टिकुलर अडोलिसेंट कोई भी एक बच्चे का नाम ले लेना ले आपने उसके बारे में ये सब आपने लिख देना मीन्स आइडेंटिफाइंग डाटा उसके डाटा में कुछ क्वेश्चन है आई विल शो यू कुछ प्रॉब्लम जो उसको प्रॉब्लम है एक्चुअल में उसकी डिसबिलिटी क्या है उसकी बर्थ इंफॉर्मेशन उसका हेल्थ रिकॉर्ड फैमिली डाटा सोशल इकोनॉमिक स्टेटस लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एजुकेशनल रिकॉर्ड एडजस्टमेंट ये आप अपनी तरफ से लिख सकते हो जो आपको लगता है उस बच्चे के बारे में आपको एग्जैक्ट पता है ज़रूरी नहीं है आपने कोई भी मतलब अगर बच्चे को जानते हो तो वही लिखना है रैंडमली आप कोई भी नेम उठा सकते हो बट द प्रॉब्लम एक ही लेके आप चल सकते हो उसमें बिहेवियर इन द क्लासरूम एजुकेशन वोकेशनल प्लानिस एनालिसिस करना है फिर आपने एनालाइज करना है एंड में और फिफ्थ रिगार्डिंग दैट प्रॉब्लम आपको पता लग गया कि उसकी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में आप लिखेंगे सिक्स्थ जब प्रॉब्लम पता लग गई रेमिडल वर्क एंड सजेशन कि आप अपना क्या सजेशन देना चाहते हो जिससे उस प्रॉब्लम से बचा जा सके या उस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सके तो पहले पेज पे हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सा लिखेंगे कि एक्चुअल में केस स्टडी होता क्या है फिर उसके बाद मैंने लिया टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट टेकन फॉर केस स्टडी कि केस स्टडी आपने करनी है उसके लिए आप क्या क्या टॉपिक्स ले सकते हो जैसे कोई क्रिएटिव पर्सन भी हो सकता है मे बी गिफ्टेड और जीनियर्स बैकवर्ड चिल्ड्रन भी हो सकते हैं हैविंग इमोशनल सोशनल और एजुकेशनल प्रॉब्लम्स किसी भी तरह के आप इंडिविजुअल को ले आप एक केस स्टडी कर सकते हो उसके बाद पर्पज या ऑब्जेक्टिव ऑफ़ केस स्टडी कि एक्चुअल में उसका पर्पज़ है क्या तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने पर्पज में लिखी है कि एक्चुअल में उसका पर्पस क्या? क्या है केस स्टडी करने की ज़रूरत क्या है एंड नेक्स्ट उसके बाद प्रोसीजर फॉर यूजिंग केस स्टडी मैथड कि उसका प्रोसीजर क्या है आप कैसे उसको कर सकते हो ये सारा उसका प्रोसीजर है यू कैन सी इट और इसके नेक्स्ट हम करेंगे केस स्टडी ऑफ एन एडोलेसेंट अब हम स्टार्ट हो गए हैं हमने स्टार्ट किया सबसे पहले आइडेंटिफाइंग डाटा उसके डाटा में हम सब लिखेंगे उसका नेम जेंडर डेट ऑफ बर्थ फादर नेम एड्रेस स्कूल क्लास ये इसका डाटा हो गया फिर प्रॉब्लम एक्चुअल में उसका प्रॉब्लम क्या है उसकी इमोशनल प्रॉब्लम है एजुकेशन प्रॉब्लम उसको सोशल प्रॉब्लम भी है उसके बाद बर्थ इंफॉर्मेशन कि उसकी बर्थ प्लेस कौन सी है चाइल्ड हेल्थ एट द टाइम ऑफ बर्थ ये आप सब उसका डाटा कलेक्ट करके आप लिखेंगे इसमें रिकॉर्ड उसका उसके बाद हेल्थ रिकॉर्ड आ जाते हैं कि उसका हाइट क्या है हेल्थ कैसी है वेट क्या है आई आईसाइट उसकी उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है फिर फैमिली डाटा पे आ जाएंगे फादर डैड और अ लाइफ मदर डैड और अ लाइफ इफ़ अ लाइफ डू द स्टेट टुगेदर दैन फादर्स ऑक्यूपेशन ये आप लिखेंगे फिर मदर का ऑक्यूपेशन लिखेंगे फादर का क्वालिफिकेशन लिखेंगे मदर की क्वालिफिकेशन फिर वो न्यूक्लियर फैमिली में रहता है या ज्वाइंट फैमिली में रहता है डू पेरेंट्स सपोर्ट चाइल्ड इन स्टडीज़ ये सब लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स डू पेरेंट्स फुलफिल द चाइल्ड नीड डू चाइल्ड स्पेंड मोर टाइम विद द फैमिली और द फ्रेंड्स ये सब आप उसके बारे में लिखेंगे फिर आ जाते हैं सोशल इकनॉमिक स्टेटस उसमें क्या लिखेंगे कि फ़ादर की इनकम क्या है अर्निंग सोर्स क्या है डू द फैमिली ओन होम और हाउस यू कैन राइट एनीथिंग एनवायरमेंट कैसा है घर पे फिर आ जाता है अगला लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है उसका उसमें ये दो तीन क्वेश्चन आप पूछ देंगे उसके लेवल ऑफ़ इंटेलिजेंस में देन कम्स एजुकेशनल रिकॉर्ड एजुकेशन रिकॉर्ड में आप क्या करेंगे उसके लास्ट थ्री ईयर्स जैसे कि मैंने जो डॉलोसेंट लिया वो टेंथ क्लास में अभी तो उसके लास्ट थ्री ईयर्स का आप रिकॉर्ड लिखेंगे नाइन्थ क्लास का एट्थ क्लास का और सेवेंथ क्लास का विच सब्जेक्ट यू कैन राइट द रिकॉर्ड फिर उसके बाद सब्जेक्ट विच यू लाइक द मो सब्जेक्ट विच डिडेंट लाइक ये सब आप उसकी अटेंडेंस वगैरह सब आप दे, दे देंगे उसके बाद एडजस्टमेंट होम एडजस्टमेंट इमोशनल सोशल जो उसको प्रॉब्लम्स है कि एक्चुअल में उसके एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है कहाँ पर वो कैसे एडजस्ट करता है वो सब आप एक्सप्लेन कर देंगे फिर आ जाते हैं बिहेवियर इन द क्लासरूम उससे रिलेटेड दो से तीन क्वेश्चन बनते हैं आप इससे ज्यादा भी बना सकते हो अगर आप बना सकते हो उस बच्चे से रिलेटेड देन एजुकेशन एंड वोकेशनल प्लान उसके ये सब आप लिख देंगे कि स्टडी कंप्लीट होने के बाद वो कौन से सब्जेक्ट्स लेना चाहता है उसका क्या मन है ये सब आप लिखेंगे फिर आपने एनालिसिस किया कि एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम क्या है आपको पता लगे अब लिखेंगे रिगार्डिंग प्रॉब्लम मतलब आपने एक छोटी सी जो सब अभी आपने डाटा कलेक्ट किया ना उस चीज़ के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे ऐसे नहीं है एज इट इज आपने कॉपी पेस्ट करना है आपने जैसे लिखना है कि राहुल चौधरी इज अ बॉय ऑफ़ गुड हेल्थ क्योंकि मैंने राहुल चौधरी का डाटा लिया exactly. है एग्जैक्टली राहुल चौधरी इज अ बॉय ऑफ गुड हेल्थ ही इज वेरी इमोशनल बॉय उसके पापा ये काम करते हैं उनकी इनकम कम है उनका हाउस स्मॉल है ये सब चीज़ें मैंने मतलब अभी डिटेल में जाके लिख दी है ये है उसकी मेन प्रॉब्लम जो मैंने डिटेल में लिख दिया है उसके बाद रेमिडियल वर्क एंड सजेशन कि उनको क्या करना चाहिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए उसको अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहिए उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि मतलब अच्छे से मतलब वो प्रोग्रेस कर सके और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे सके और ये सब आप लिख देंगे इसमें आई होप दिस असाइनमेंट इज वेरी यूजफुल फॉर यू सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू वेरी मच